हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बनाए हैं इडली, दाल इडली बनाए हैं। कैसे बनाए हैं चलिए आपको बना के दिखाते हैं। दोस्तों, हमारा दाल पराठा वीडियो हमने कल ही अपलोड किया था, तो उसे में कमेंट आया था कि दाल का बैटर हमने कैसे बनाया। तो ये देखिए, दाल का बैटर बिल्कुल आप देख सकते हो कि पहले हमने सब्जी डाला था। नॉर्मली हमने दाल को भिगा के रखा था, उसको ग्राइंडिंग कर लिए, अब उसमें मसाला डाल के इडली बना रहे हैं। तो मसाले में हमने हल्दी, मिर्ची, जीरा, धनिया और सब्ज़ी में हमने प्याज, मिर्ची, टमाटर, धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना पत्ते डाले थे। तो हमने ये वाले वीडियो में जो बना रहे हैं अब इडली, ये इसका हम बता रहे हैं। तो हमने जो दाल पराठे का बनाया था, ओनली दाल को हमने सुबह से भिगा के रखा था। 3-4 घंटे के बाद में उसको ग्राइंडिंग कर ली बढ़िया से। उसके बाद में उसमें भी प्याज, मिर्च, धनिया पत्ता बना के यानी डालकर हमने अपना दाल पराठा बनाया था। तो सेम बैटर हमने बनाया था दोस्तों, बस एक्स्ट्रा इसमें जो टमाटो और धनिया पुदीना डाला है उसमें सिर्फ धनिया पड़ा था, पुदीना हमने नहीं डाला था। तो दोस्तों, ये वाला इडली रेसिपी कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। बहुत ही टेस्टी इडली रेसिपी यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए, दाल इडली रेसिपी। दोस्तों, एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और ख़ास करके उसको सॉस में थोड़ा प्याज लगा के खाएंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा खाने में। तो हम यहाँ पर इतना सारा बना चुके हैं, तो हम प्लेट में सर्व करके खाना शुरू करेंगे। जो जो बचा कुचा है उसे भी बना लेंगे यहाँ पे दाल इडली रेसिपी। दोस्तों, आपको दाल पराठे का बैटर समझ में आ चुका होगा हमने कैसे बनाया था। हमने बताया कि दाल को भिगा के बनाया था। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।